प्रभु यीशु के नाम में प्यार आप सभी का आज के इस शॉर्ट बाइबल मैसेज में हम स्वागत करते हैं। खासकर उन हर एक यूथ का जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, हम आनंद के साथ आज के इस महत्वपूर्ण संदेश में स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है, क्या एक विश्वासी लड़का या लड़की बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड रख सकते हैं? क्या कोई विश्वासी फ्रेंडशिप के लिए प्रपोज कर सकता है, या किसी की प्रपोजल को क्या वह स्वीकार कर सकता है? यारो, आज का जो विषय है काफी प्रार्थना के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ और गंभीरता पूर्वक हम आपके आगे रखना चाहते हैं। प्यारो, इस संसार की बातें मसीह युवाओं पर काफी प्रभाव डालती है और काफी दबाव भी डालती है, खासकर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशन को लेकर। अगर आपका बॉयफ्रेंड या तो गर्लफ्रेंड नहीं है और आप अपने दोस्तों के साथ खड़े हो सकता है वे आपको ताना मारें, या तो आपकी मजाक भी उड़ाई जाए, या हो सकता है मुफ्त की कोई सलाह भी वे दे दें। अभी की जो सीरियल्स या तो मूवीज आ रही है उसमें भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशन को एक आम बात के रूप में बताया जाता है। कई युवा अकेलापन महसूस करते हैं और उनको लगता है मेरी भी गर्लफ्रेंड या तो बॉयफ्रेंड होना चाहिए। कई बार गर्लफ्रेंड या तो बॉयफ्रेंड होना एक स्टेटस सिंबल बन जाता है। प्यारो, कई बार देखा देखी में उसके पास बॉयफ्रेंड या तो गर्लफ्रेंड है, मेरे पास भी होना चाहिए, और मसीह युवा भी वो दबाव में झुक जाते हैं। प्यारो, कई लोग कहते हैं कि हम शादी करने वाले हैं, हम कमिटेड हैं और इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं हमारे बीच जो रिलेशन है, हमारी फ्रेंडशिप है, वो आम है, नॉर्मल है, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। प्यारो, इन सारी बातों को आज हम समझना चाहते हैं कि क्या ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं। इसे समझे उससे पहले फ्रेंडशिप की परिभाषा हम देख लेते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार फ्रेंड वह है, अ पर्सन हु यू नो वेल एंड हु यू लाइक अ लॉट बट हु इज यूजुअली नॉट अ मेंबर ऑफ योर फैमिली। मित्र वह है जिसे आप जानते हो और जिसे आप विशेष रूप से पसंद करते हो, और वह आपके परिवार से नहीं है। यारो, दोस्त होना अच्छी बात है और जरूरी है, लेकिन जब बात ऑपोजिट सेक्स की हो, मतलब एक लड़की लड़के के साथ फ्रेंडशिप करना चाहती हो, या तो एक लड़का जब लड़की के साथ फ्रेंडशिप करना चाहता हो, तब यह जानना बहुत जरूरी बन जाता है कि क्या वह सही है या नहीं। और इसे जानने का बेस्ट रास्ता यह है परमेश्वर के वचन बाइबल। कौन क्या मानता है, कौन क्या सलाह देता है और हम खुद क्या सोचते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है। प्रभु का वचन इस विषय में क्या बताता है प्यारो, वो सबसे ज्यादा महत्व रखता है। बाइबल में प्यारो अलग अलग प्रकार के कई रिलेशन के विषय में बात की गई है, माता पिता और बच्चों के विषय में, हस्बैंड और वाइफ के विषय में, सेठ और चाकर के विषय में, और उनकी जिम्मेदारियां भी बताई गई है। लेकिन बाइबल में कहीं भी प्रभु ने गर्लफ्रेंड या तो बॉयफ्रेंड के विषय में नहीं कहा, ना ही इस रिलेशन को अनुमति दी है। प्यारो, आदम को उत्पत्ति 2:22 में आप देखें तो सबसे पहले परमेश्वर ने सीधा ही हवा को पत्नी के रूप में दिया था। प्यारो, प्रभु ने उसे गर्लफ्रेंड नहीं दी थी कि जब तक हवा आए तो एक गर्लफ्रेंड से चलाना। प्यारो, अगर इसहाक के विषय में आप देखो उत्पत्ति उसका 24वां अध्याय और 62 से आगे, वहां लिखा है इसहाक 40 साल का हो गया था, उसकी मां की भी मृत्यु हो गई थी और वो अकेलेपन से होकर गुजर रहा था। लेकिन इस अकेलेपन के समय में उसने गर्लफ्रेंड नहीं ढूंढी, वो इस समय में खेतों में जाता था, मेडिटेशन करता था, परमेश्वर के साथ समय बिताता था। और एक समय आया परमेश्वर ने रिबका के रूप में उसे पत्नी दी। प्यारो, बाइबल में सिमसोन के विषय में भी लिखा है उसने दलीला नाम की एक स्त्री के साथ फ्रेंडशिप की और वो फ्रेंडशिप उसके लिए बर्बादी का कारण बनी। प्यारो, बाइबल के अनुसार, परमेश्वर के वचनों के अनुसार गर्लफ्रेंड
बॉयफ्रेंड रिलेशन को प्रभु कभी भी अनुमति नहीं देता, उल्टा वो बर्बादी का कारण बनी है। वो बाइबल हमें स्पष्ट रीति से सिखाता है, दूसरे शब्दों में जो प्रभु की ओर से नहीं है वह पाप है। प्यारो, आप किसी को जाकर प्रपोज करते हो या कोई आपको प्रपोज करता है फ्रेंडशिप के लिए प्यारो, और अगर आप हाँ कहते हो, आप पाप के लिए, ध्यान से सुने, आप पाप के लिए द्वार खोलते हो प्यारो। प्यारो, डेट पर वे जाते हैं जो शादी के लिए आगे बढ़ते होते हैं, एक दूसरे को जानना चाहते होते हैं, और वह भी पेरेंट्स की अनुमति के बाद, छुप छुप कर नहीं, किसी से झूठ बोलकर नहीं। परमेश्वर का वचन प्यारो इसके खिलाफ है। लेकिन फिर भी अगर आप इस चेतावनी को नजरअंदाज करते हो प्यारो, आपको बहुत ही गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। मान लो आपके जो बॉयफ्रेंड या तो गर्लफ्रेंड के साथ आप घूमते हो, फिरते हो, मैसेज करते हो, सेल्फी लेते हो प्यारो, अगर उनसे आपकी शादी नहीं हुई तो वो ही बॉयफ्रेंड या तो गर्लफ्रेंड आपकी शादी के समय और आपकी शादी के बाद आपके लिए बर्बादी का कारण बनेगा। जो खुशी के साथ आप चैटिंग करते होते हो, आनंद उठाते हैं प्यारो, वो ही चैटिंग आपको बाद में सरदर्द बन जाएगी प्यारो। जो खुशी से आपने अपने बॉयफ्रेंड या तो गर्लफ्रेंड के साथ सेल्फी ली है, जब वे वही सेल्फी का आपको ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, आज आनंद के साथ ली हुई सेल्फी कल आपको जाकर रुलाएगी प्यारो। प्यारो, हो सकता है आपको लगता हो कोई नहीं जानता, किसी को पता नहीं, लेकिन याद रखिए यही बात एक दिन गोल गोल घूमकर आपके कदमों में आकर गिरेगी, आपकी बर्बादी का कारण बनेगी। इससे भी बुरा यह हो सकता है अगर आप लापरवाह रहे, शैतान आपकी लापरवाही का आपको पाप में गिराने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। जो मर्यादा, जो हद परमेश्वर ने ठहराई है कि आप शादी तक उससे क्रॉस न करो, हो सकता है शैतान किसी कमजोर पलों का फायदा उठाकर वो मर्यादा, वो बाउंड्री, वो हद को भी आपको क्रॉस करवा दे प्यारो। आप प्यारो क्या इस परिणाम से वाकिफ हो? आपके भविष्य के हस्बैंड या तो वाइफ को क्या ये सब बता पाओगे? आज कई लड़कियां प्यारो अनवांटेड प्रेगनेंसी के कारण अबॉर्शन करवाती है, शैतान वो हद तक उन्हें ले गया। प्यारो, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता आपको कहां से कहां ले जाएगा, ये आप जानते भी हो? क्या इस विषय में आप गंभीर हो? अगर नहीं हो, परिणामों को झेलने के लिए तैयार रहिए। उन पेरेंट्स से भी हम कहना चाहते हैं जो अपने बच्चों के ऐसे रिश्तों को नजरअंदाज करते हैं या तो गलत प्रोत्साहन देते हैं, आप अपने बच्चों के जीवनों की बर्बादी का कारण बन रहे हो अगर आप उनको रोकते नहीं हो। प्यारो, ये दो महत्वपूर्ण बातें बताकर मैं इस संदेश को पूरा करना चाहता हूँ। कई ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो ऐसा कहते हैं कि मेरे बॉयफ्रेंड ने, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे प्रॉमिस की है कि वो मेरे साथ शादी करने वाले हैं, और जब हम भविष्य में शादी करने ही वाले हैं इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम चाहे घूमे चाहे फिरे, जो करना है करें, हम शादी करने ही वाले हैं। हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं प्यारो, अगर उनसे आपकी शादी नहीं हुई तो? एक लड़के को मैं सुन रहा था, वो अपने दोस्तों के साथ अपनी गर्लफ्रेंड के विषय में बात कर रहा था और अपनी गर्लफ्रेंड की मजाक उड़ा रहा था। वो कह रहा था, काफ़ी समय से मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशन में हूँ, हम घूमने फिरने जाते हैं, और हमेशा मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे पूछती है, आप मुझसे शादी तो करोगे ना, मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? और हमेशा मैं कहता हूँ, मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। वो अपने दोस्तों को ताली दे देकर और हंस कर बता रहा था कि मैं कैसे मेरी गर्लफ्रेंड को उल्लू बनाता आया हूँ। उसकी गर्लफ्रेंड को ये पता भी नहीं था प्यारो कि उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ विश्वासघात करने वाला है। कुछ लड़के लड़कियां कहते हैं, हम तो नॉर्मल फ्रेंड्स हैं, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, तो क्या वह योग्य है? नॉर्मल फ्रेंडशिप योग्य है या नहीं, वो उसमें कितना खतरा है, वो
जब हम जान लेंगे हम खुद ही तय कर पाएंगे। प्यारो फ्रेंड यानी दूसरों से भी आपके और करीब होंगे। दूसरों को जो आप नहीं बताते वो अपने फ्रेंड को बताएंगे। आप फ्रीली अपनी भावनाओं को एक दूसरे के साथ शेयर करोगे और कब आप भावनाओं में खींच जाओगे वो कोई नहीं कह सकता। प्यारो आप शायद ये कहोगे कि मैं मेरी लिमिट जानता हूं, लेकिन प्रभु का वचन पहला कुरिन्थियों 10:12 में कहता है, जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे कि गिर न पड़े। प्यारो परमेश्वर जानता है कि ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्शन कितना प्रबल है और इसीलिए 1 कुरिन्थियों 6:18 में प्रभु का वचन कहता है भागो। प्यारो नॉर्मल फ्रेंडशिप में भी खतरा है और वो भी बहुत बड़ा। और मान लो जो व्यक्ति को आप नॉर्मल फ्रेंड के रूप में देखते हो अगर वो एक तरफा फीलिंग्स में आ गया और आपकी ना को सहन नहीं कर पाया, ऐसे व्यक्ति अक्सर यही कदम उठाते हैं। वो कहते हैं ये मेरा नहीं हुआ, ये मेरी नहीं हुई तो किसी का नहीं। वो या तो अपने आप को हानि पहुंचाते हैं या तो सामने जो पात्र है उसे हानि पहुंचाते हैं। तो प्यारो हम आपसे यही कहना चाहते हैं वचन के आधार पर और परिणामों के आधार पर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता चाहे वो आम हो या खास हो वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। परमेश्वर उसे कभी भी अनुमति नहीं देता। वो आपके जीवन में बर्बादी और नुकसान के अलावा और कुछ नहीं लाएगा। परमेश्वर का वचन सभोपदेशक 11:9 में कहता है हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। आइए प्यारों अपनी आंखों को बंद करें। आज के इस वचन के द्वारा प्यारो अगर आपको लगता है कहीं पर आप कोई गलत रिलेशन में हो आज पश्चाताप करें, वो रिलेशन को तोड़ दे। प्यारो आपकी बर्बादी के अलावा आपके जीवन में कुछ नहीं लाएगा प्यारो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के वो खिलाफ है। पश्चाताप करे, प्रभु से क्षमा मांगे। कितने भी दूर आप क्यों ना चले गए हो, कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। आपका वापिस फिरना परमेश्वर उसे सुधारेगा और आशीषित करेगा। आए दुआ करें। प्यारे परमेश्वर पिता, मेरे हर एक जवान भाई बहनों के लिए मैं आपके चरणों में आता हूँ जिन्होंने आज के संदेश को सुना है। इनमें से कोई भी कहीं पर भी गलत रिलेशनशिप में है, प्रभु आज उन्हें अनुग्रह दे कि वे पश्चाताप करें, अपनी गलती को सुधार लें। जो आपकी इच्छा में नहीं है, जो आपको पसंद नहीं है, उसे अपने जीवन से दूर करने का अनुग्रह परमेश्वर आप उनको दीजिए। जहां वे निर्बल है आज पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उनके ऊपर उतर आए। आप उन्हें बल दीजिए सही निर्णय लेने के लिए और जो गलत है वो अपने जीवन से दूर करने के लिए। प्रभु आप नहीं चाहते कि ये जीवन बर्बाद हो, ये जीवन दुख और आंसुओं से भरा हो जाए। आप तो इस संसार में इसलिए आए ताकि हमें जीवन मिले और भरपूरी का जीवन मिले। मेरी प्रार्थना है प्यारे पिता, आपने जो भरपूरी का जीवन के लिए रखा है वो जीवन इन्हें मिले प्रभु, ऐसा अनुग्रह होने दीजिए। प्यारे पिता प्रभु यीशु के नाम में इन जवान लड़के लड़कियों के ऊपर, उनकी फीलिंग्स के ऊपर, उनके मन और विचारों के ऊपर दुष्ट आत्माओं का कोई भी प्रभाव हो, शैतान ने किसी भी रीति से उनका अंकुश लिया है, नियंत्रण लिया है, तो उसे मैं यीशु मसीह के नाम से तोड़ डालता हूँ। ऐसे गलत रिलेशन में उनको बांध कर रखने वाली हर एक दुष्ट आत्माओं के कामों को मैं निष्फल करता हूँ और आज यीशु मसीह के नाम में इनको मैं छुड़ा लेता हूँ, उनको फ्री जाहिर करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। प्यारे पिता आपके अनुग्रह तले उनको ढांके रखे, मेरी ये दुआ यीशु मसीह के नाम से है, आप कबूल करें। आमीन। प्यारो आज के इस संदेश को सुनने के बाद अगर आप हमसे बात करना चाहते हो, दुआ करवाना चाहते हो, आप हमारी हेल्पलाइन नंबर 7676760800 पर कॉल करके हमारे साथ बात कर सकते हो, दुआ कर सकते हो। परमेश्वर आप सभी को आशीषित।